उनका सम्मान। और यह भी याद रखना चाहिए कि युद्ध की बर्बरता में भी भारतीय सेना ने अपने कर्तव्य से वो कभी नहीं मुड़ी और युद्ध के नियमों के पालन की पूरे विश्व के सामने एक मिसाल हमारे फौजियों ने रखी थी। कोई भी भारतीय हमारे हर फौजी की कंडक्ट के लिए आज भी गर्व कर सकता है। एक एक घटना इतिहास के अंदर स्वर्णिम पुष्प के रूप में अंकित है, हर शब्द उस रूप में अंकित है। यहां बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा, यहां भाई अशोक तारा बैठे हैं। अशोक जरा बाहर, अगर आपको चित्र देखते होंगे तो संकट की घड़ी में इनके परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो तस्वीर बाहर आप देखेंगे। तो आज विशेष रूप से उनको बुलाया गया था ताकि प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। कैसे कैसे पराक्रमों से भरी हुई कथाएं, त्याग और बलिदान की गाथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। भारतीय फौज का यह चरित्र था कि 90,000 उन सैनिकों को सुरक्षित जाने दिया गया। 1971 में भारत की दिखाई ये इंसानियत पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश न केवल क्रूरता और को परास्त करने वाले देश में, बल्कि क्रूरता की मूलभूत सोच को नकारने वाला यह देश है। बांग्लादेश पर चर्चे के बिना बंगबंधु के अधूरी है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे की सोच के पूरक है। बंगबंधु बांग्लादेश के स्वतंत्रता के प्रमुख सूत्रधार थे, वो अपने समय से ही कहीं आगे की सोच रखते थे। उनकी हर एक पुकार जनता की ललकार थी। एक मॉडर्न लिबरल तथा प्रोग्रेसिव बांग्लादेश का उनका विजन आज भी बांग्लादेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। 1971 के बाद यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का ही नेतृत्व था जिसने बांग्लादेश को अशांति और अस्थिरता के दौर से बाहर निकाला था। समाज में मौजूद द्वेष तथा आक्रोश को मिटाकर महान बंगबंधु ने बांग्लादेश को शांति तथा विकास का एक मार्ग दिखलाया। सोनार बांग्ला के सपने को सच करने की राह दिखाई। भारत के उस समय की युवा पीढ़ी तो उनसे विशेष रूप से प्रभावित थी और यह मेरा सौभाग्य था कि मैं स्वयं उनके विचारों के ज्ञान से लाभ उठा सका। आज बंगबंधु न केवल दक्षिण एशिया के बल्कि पूरे विश्व में शांति और सहअस्तित्व की स्थापना करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। बंगबंधु की बेटी एक्सलेंसी शेख हसीना आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर यहां है। इस अवसर पर मैं उनके साहस की भी प्रशंसा करना चाहता हूं। जिस मुश्किल हालत से उन्होंने खुद को निकाला, अपने देश को निकाला, वो साहस हर किसी में नहीं होता है। कोई कल्पना कर सकता है, परिवार के 16-16 लोग कत्ल किए जाए और एक बेटी सोनार बंगला के सपनों को साकार करने के लिए जूझती रहे, इतिहास में सामान्य घटना नहीं है। वे चट्टान की तरह आज भी खड़ी है और अपने देश को विकास पथ पर ले जाने के लिए काम कर रही है। दोस्तों, आज हमारे क्षेत्र को, दुनिया के इस प्राचीन भूभाग को मुख्यतः तीन विचारधाराएं परिभाषित करती हैं। ये विचारधाराएं हमारे समाज तथा सरकारी व्यवस्थाओं की प्राथमिकताओं का आईना है। इसमें एक सोच है जो आर्थिक विकास पर केंद्रित है,
देश को समृद्ध तथा शक्तिशाली बनाने पर फोकस है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर आधारित है। इस सोच का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है बांग्लादेश की प्रगति एवं उन्नति। 1971 में बांग्लादेश के नागरिकों की औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत और पाकिस्तान की तो जो स्थिति थी उसमें आज कई गुना वो आगे बढ़े हैं। आज बांग्लादेश के नागरिकों की औसत आय भारत से भी ज्यादा है। पिछले 45 वर्ष में बांग्लादेश की जीडीपी 31 गुना बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में 13 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इन्फेंट मोर्टालिटी 222 से घटकर अब 38 रह गई है। प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्रता के बाद अब तक बांग्लादेश का निर्यात 125 गुना बढ़ चुका है। परिवर्तन के ये चंद पैरामीटर्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के विजन पर चलते हुए बांग्लादेश आर्थिक प्रगति की नई सीमाएं पार कर रहा है। साथियों, साथ ही साथ एक दूसरी सोच, सबका साथ सबका विकास। मेरा स्पष्ट मत है कि मेरे देश के साथ ही भारत का हर पड़ोसी देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। अकेले भारत का विकास अधूरा है और हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हमारे रीजन में हम अकेले चल पड़ेंगे, हम अपना ही कर लेंगे। जी नहीं, हमारी ये सोच रही है कि हम हमारे अड़ोस पड़ोस में भी सुख समृद्धि शांति के पुरस्कार है और यही तो हमारा सबका साथ सबका विकास। वो सिर्फ 125 करोड़ तक सीमित नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी साथ लेकर के सबके विकास में सहभागी होने की हमारी कल्पना का इतिहास है। और इसलिए हर देश के प्रति हमने सदैव मित्रता का हाथ बढ़ाया है। हर देश को अपनी समृद्धि का सहभागी बनाने के लिए भारत ने हमेशा हमेशा आमंत्रित किया है। स्वार्थी न बनकर हमने पूरे क्षेत्र का भला चाहा है। इस सोच की सफलता का प्रत्यक्ष उदाहरण है भारत बांग्लादेश के संबंधों का सशक्त ग्राफ और इससे उत्पन्न दोनों समाजों के लिए आर्थिक बेनिफिट्स हैं। हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, अथवा सिक्योरिटी का विषय हो, या फिर कई देशों से लंबित, कई वर्षों से लंबित लैंड बाउंड्री तथा मैरिटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट सेटलमेंट का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग परस्पर शांति, साझा विकास, आपसी विश्वास तथा क्षेत्रीय विकास की सोच की सफलता के टेंजिबल प्रमाण है। साथियों, लेकिन दुख की बात है कि इन दो विचारधाराओं के विपरीत भी दक्षिण एशिया में एक मानसिकता है, ऐसी सोच जो कि आतंकवाद की प्रेरणा तथा उसकी पोषक है, ऐसी सोच जिसका वैल्यू सिस्टम मानवता पर नहीं अपितु हिंसा, अतिवाद, आतंक पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य है टेररिस्ट द्वारा टेररिज्म फैलाना, एक ऐसी सोच जिसके नीति निर्माताओं को मानववाद से बड़ा आतंकवाद लगता है, विकास से बड़ा विनाश लगता है, सृजन से बड़ा संहार लगता है, विश्वास से बड़ा विश्वासघात लगता है। यह सोच
हमारे समाज के शांति तथा संतुलन और उसके मानसिक तथा आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यह विचारधारा पूरे क्षेत्र तथा विश्व की शांति तथा विकास में अवरोधक है। जहां भारत और बांग्लादेश समाज के आर्थिक विकास की थॉट स्ट्रीम्स में सहभागी है, वहीं हम इसी तीसरी नकारात्मक विचारधारा के विक्टिम भी है। साथियों, हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि क्षेत्र के सभी देशों के सिटीजन्स सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ें, और इसके लिए हमारे सहयोग के द्वारा हमारे द्वार सदा सदा खुले रहें। लेकिन इसके लिए आतंकवाद और आतंकवादी सोच का त्याग अनिवार्य है। भारत बांग्लादेश संबंध न सरकारों के मोहताज है और न ही सत्ता के। भारत और बांग्लादेश इसलिए साथ है क्योंकि दोनों देशों के 140 करोड़ लोग एक दूसरे के साथ है। हम सुख दुख के साथ ही है, और मैंने हमेशा कहा है कि जो सपना मैं भारत के लिए देखता हूं, वही शुभकामना मेरी बांग्लादेश के लिए भी है, और भारत के हर पड़ोसी देश के लिए भी है। मैं बांग्लादेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक दोस्त होने के नाते भारत जितनी मदद कर सकता है वो करता रहेगा। आखिर मैं एक बार फिर मुक्ति योद्धाओं को, भारत के वीर सैनिकों को नमन करता हूं, और इस कार्यक्रम के आयोजन तथा उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का खास तौर पर अभिनंदन करता हूं। भारत सदैव एक घनिष्ठ तथा विश्वसनीय मित्र की तरह बांग्लादेश के साथ हर घड़ी हर सहायता के लिए तैयार रहेगा ही। मैं फिर एक बार इन सभी वीरों का नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बांग्लादेश।